हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर गर्ल पायल सिंह और आज है माल्या सीरीज का डे 3 एंड हम कुछ फोटोज क्लिक करने आए हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत 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 प्यारा है। गुड मॉर्निंग, आज हम आए थे होटल को थोड़ा एक्सप्लोर करने क्योंकि हमने वो भी नहीं किया था ठीक से, तो हमने 2-3 वीडियोज बनाई हैं यहाँ पे एंड इट इज़ रियली फन क्योंकि पीछे पूरी रिवर्स फ्लो हो रही है, यहाँ पे भी कुछ फ्लो हो रहा है और हर जगह कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। तो अब हम जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने। आज हम चलेंगे गाइस कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, हमारे हमने ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। तो अभी जस्ट हमने खाना खाया पूरा किया, देन आई वेंट टू बरिस्ता एंड मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 जिंजर हनी टी की बॉटल्स ली एंड आई रेकमेंडेड, आप भी ले सकते हो। कश्मीर में है, मुंबई में है, वो मुझे नहीं पता पर हाँ है, तो इट्स रियली नाइस बाइट। सो हमने बरिस्ता से बोलिया, वो तो मैंने आपको बताया। इसके साथ दिखाएंगे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ आईमो केवा बोलते हैं, कावा बोलते हैं, कावा मिक्स और भी चीज़ें ली हैं यहाँ से। और अब सीट केस में इसको हम फिट करने वाले हैं क्योंकि ये हम हैंड नहीं कैरी नहीं कर सकते, चेक इन में जाना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स पैक इट। सो फाइनली गाइस, टाइम आ चुका है कश्मीर को बाय बोलने के लिए और अब हम जा रहे हैं कश्मीर एयरपोर्ट। सो गाइस, पता नहीं मैं ब्लॉग बनाने की भी पता नहीं, मैं गाड़ी में बैठी और मैं सो गई और मैं आ गई और मैं फ्लाइट में जा रही हूँ। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है बट इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइन, सो हम जा रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो जाए। तो अभी वैसे शुरू, हाँ अब जैसे शुरू हो गई तो हम अभी जाएंगे फ्लाइट में एंड देन फाइनली टू मुंबई एंड सिक्किम। और फाइनली इन द फ्लाइट और जैसे ही हम पहुँचे मुंबई एयरपोर्ट, वी सॉ सुनील शेट्टी सर एंड आई डोंट नो, वो कहीं तो जा रहे थे, मे बी अपने घर जा रहे होंगे, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होंगे, बट या इट वॉज़ अ कोइंसिडेंस एंड या इट वॉज़ क्वाइट फन। उसके बाद हमारे हम लगेज का काफ़ी देर वेट किया एंड अभी भी लगेज तो आया नहीं है तो वेट और करना पड़ेगा। हमारा है ही नहीं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो कि मैं अपनी आँखों की पावर्स को यूज़ करके देखना चाह रही हूँ कि ये लगेज हमारा है या नहीं, बट नहीं, वो हमारा नहीं था। मिल गया, अब हम जा रहे हैं घर। यस, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माय फैमिली। उसी टाइम पे दादी दादू भी आए हुए थे तो आई वॉज रियली मिसिंग ऑल ऑफ दैट फन जो मैं करती थी, बट आई हैड टू शूट इन कश्मीर एंड इट वॉज रियली फन, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो होम एंड ये ऑटो राइड्स जो मैंने बहुत मिस किया है और बहुत ही मज़ा आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू नो। फाइनली येस, आई हैव रीच्ड और हम अपनी बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए, बहुत खुश हूँ एंड बहुत ज़्यादा 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 एक्साइटेड हूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको अपनी यू नो अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ गाइस। तो उसके एक दिन बाद मैं वापस आ चुकी हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और इस बार हम जा रहे हैं बैंगलोर, लेकिन हम एड शूट के लिए नहीं, इस बार हम प्रिंट शूट के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत जगह लॉन्च हुआ है। अगर आपने मेरे प्रिंट्स देखे होंगे कहीं, मुंबई में भी देखे होंगे शायद, लैली में और न्यूज़पेपर्स में, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड भी हूँ, बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, फिर हमने यहाँ पर देखी क्यूट सी फिशेज। हमारे पास काफ़ी टाइम था इसलिए हमने एक परफ्यूम ख़रीदा फॉरेस्ट एसेंशियल से। उसके बाद हम पहुंच गए, मतलब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। एज यू गाइस कैन सी, हमारा बोर्डिंग गेट है 65। फिर मैं जा रही हूँ प्लेन में बैठने के लिए, आई एम सो एक्साइटेड, मैंने आज तक बैंगलोर को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। और हमारा जो प्लेन था उसमें थी स्क्रीन, सो थोड़ा बोरिंग नहीं था बट स्टिल मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने कुछ मूवी वूवी नहीं देखी, मैं सीधा सो गई क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। उसके बाद हम पहुँच गए बैंगलोर एयरपोर्ट। यस, एंड बैंगलोर वॉज लिटरली सो ब्यूटिफुल और इतनी अच्छी, वहाँ पे इतना अच्छा वेदर था और मैं भी काइंड ऑफ बैंगलोर से ऐसा लग रही थी, मैं गर्ली है, यू कैन सी द विंड्स, कितनी अच्छी विंड थी। बंद तो करो अपने लंच टाइम गाइस, लंच टाइम।
लंच टाइम हो गया था और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि बैंगलोर का कुछ स्पेशल यूनिक डिश हम ट्राई करने आए हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मैं कह सकती हूँ क्योंकि नॉर्मल जैसा इंडियन खाना होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी वैसा था, बट इट वॉज सिंपल सोबर एंड नाइस और बहुत टेस्टी भी था, तो आई लाइक इट। और मुझे ये पहनाया गया था देख सकते हो आप, ताकि मेरा खाना ना गिरे। यहाँ पे भैया दिखा रहे थे कि मेरा शॉट कैसा आना चाहिए 0 के अंदर, और मैं अब 0 के अंदर पहुँच चुकी हूँ, 20 मतलब हिमालय एंड 20 रुपीज। ओके, नॉट डूइंग इन एड राइट नाउ, बट इट वॉज सो क्यूट, यू नो इट वॉज सुपर सुपर क्यूट, और बहुत मज़ा आया मुझे प्रिंट करने में। द टीम, द क्रू, एवरीबडी वॉज सो स्वीट, इट वॉज सो फन एंड इन बैंगलोर अमेजिंग। और अब हमारा शूट ख़त्म हो गया था तो हम सब ने ली ग्रुप पिक्चर्स, यस बहुत सारी ग्रुप वीडियोज। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको दिखाया था हमने ग्रुप वीडियो ली थी, फाइनली शूट ख़त्म हो गया था और मेरी आंखों से आप देख सकते हो कि मैं कितनी लेजी लग रही हूँ इस वीडियो में। मतलब ये कौन सा तरीका है मायरा बैठने का गाड़ी में, और आपको पता है मैंने ऐसे चश्मे लगा देती थी और मैं गाड़ी में पूरे टाइम सो जाती थी। एंड बैंगलोर वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड फन, देख सकते हो ना कितना प्यारा व्यू है। लव यू बैंगलोर। सो आई वाज वॉकिंग एंड आई जस्ट फाउंड दिस डोनट शॉप एंड आई वाज क्रेविंग डोनट, सो आई गॉट दिस। अभी मैं आपको डोनट्स खोल के दिखाऊंगी, पर तब तक हम पहले मम्मी के लिए कॉफ़ी ढूंढे, बिकॉज आजकल मम्मी को यू नो सीजे का कॉफ़ी गर्ल, और उनको कॉफ़ी चाहिए रहती है हर वक्त, तो कॉफ़ी कॉफ़ी एंड वी आर लुकिंग फॉर कॉफ़ी। मम्मी ये आँखों से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी टायर्ड हूँ, और अभी हम घर जा रहे हैं घर। सो गाइस, मैं इतनी भुक्कड़ हो के मैंने डोनट रिकॉर्ड भी नहीं किया और चलते चलते ही खा लिया, फिर मैं और भूख मुझे और भूख लग रही है। तो हम एक इटालियन रेस्टोरेंट में हैं जिसका नाम है एल्टा विटा, इट इज़ इन बैंगलोर आई थिंक, हो सकता है एल्टा विटा इज़ एन इटालियन किचन। आई डोंट नो कि ये मुंबई में है या नहीं है, बट बैंगलोर में तो है तो आप विजिट कर सकते हो। तो वी ऑर्डर्ड समथिंग जो आने वाली है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी, चिंता मत करो, वो तो दिखाऊंगी ज़रूर। सो गाइस, मैंने खाना खा लिया एंड ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे बाजू में कुछ फॉरेन अंकल्स थे और वो पहले लगता है बहुत हंगरी थे, भूखे थे, हमारे पेट में झाँक रहे थे भाई, मेरे पेट में दर्द हुआ है तो देख लेता था। बाय बैंगलोर। तो चलो अब मुंबई तो मैं पहुंच गई हूँ और मुंबई में पहुंचती बारिश हो गई, तो बाय बाय बारिश।